ये सही जगह नहीं है, ये हमारे कैंपस का मेन है पॉइंट, जहाँ पर बच्चे सेल्फी पॉइंट बना लेंगे इसको, और फिर यहाँ पर जो इंटरनल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी दिक्कत आएगी। यहाँ पर अयोध्या में वो भी तोप की कोई आवश्यकता नहीं है। सैन्य विज्ञान विद्यार्थी हैं हम, है हमारा विभाग कॉलेज में सैन्य विज्ञान है, तो टैंक तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर काम है शिक्षार्थियों का, यहाँ पे काम है पुस्तकों का। पुस्तकालयों में आप जाकर के देखें, नई किताबें नहीं आती। केवल क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ये तो समस्या परे की बात है। सरकार को कुछ दिखता नहीं, प्रशासन को कुछ दिखता नहीं, मैनेजमेंट को कुछ दिखता नहीं, प्रिंसिपल को कुछ दिखता नहीं, सबको सब कुछ दिखता है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता। इस कॉलेज में हमारी जो महिला विद्यार्थी हैं, लड़कियां, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पुरुष की तो बात छोड़ दीजिए। बदनामी करने का उनका एक लक्ष्य है, बचा नहीं पा रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब 3 साल कैसे रहे इस महाविद्यालय में। केवल क्रिटिसाइज, शासन को लिखना, यूनिवर्सिटी में लिखना, जो करना था सब कुछ करके हार गए। अब एक टैंक आ गया, उनको वो भी खटकने लगा। इस समय हम पूर्वांचल के सबसे बड़े विद्यालय महाविद्यालय में हैं, कामता प्रसाद साकेत महाविद्यालय, जहाँ पे प्रतिवर्ष कई हजार छात्र पढ़ते हैं, शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आज एक 1962-1972 में इस्तेमाल किए गए टैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम भीम टैंक है, जिसने भारत की 2 बड़ी लड़ाइयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, ऐसा यहाँ के प्रचार का कहना है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि हम साकेत महाविद्यालय में एक टैंक की स्थापना कर रहे हैं, जो हमारे छात्रों के लिए दर्शनीय होगा, प्रेरणा का विषय होगा। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रोफेसर लोग हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनका क्या मंतव्य है। हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले इस टैंक को हमारा सबका प्रणाम है। जहाँ तक इसकी जगह की बात है, ये बिल्कुल उपयुक्त जगह नहीं है। ये महाविद्यालय है, ये शिक्षा का केंद्र है, यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा होती है, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं की मूर्तियाँ लगनी चाहिए, यहाँ पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेताओं की मूर्तियाँ लगनी चाहिए, यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ लगनी चाहिए जिन्होंने इस महाविद्यालय के लिए धन दिया, संपत्ति दी, जमीन दिया। यहाँ पर अयोध्या में वो भी तोप की कोई आवश्यकता नहीं है। अयोध्या वो जगह है जहाँ पर कभी युद्ध ही नहीं हुआ, यहाँ तोप का कोई काम नहीं है। यहाँ पर काम है शिक्षार्थियों का, यहाँ पर काम है पुस्तकों का। पुस्तकालयों में आप जाकर के देखें, नई किताबें नहीं आती। आप प्रैक्टिकल हॉल में जाकर के देखिए, प्रैक्टिकल हॉल बंद पड़े हैं, लैब्स में कोई सामान नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। दिनों दिन महाविद्यालय में छात्रों की संख्या घटती जा रही है। इस बार ही महाविद्यालय में सिर्फ 50% सीटें भर पाई हैं, 50 खाली हैं। सर, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप लोग ऊपर तक ये बात नहीं पहुँचाए? ये ऊपर तक सुनता कौन है? सरकार को कुछ दिखता नहीं, प्रशासन को कुछ दिखता नहीं, मैनेजमेंट को कुछ दिखता नहीं, प्रिंसिपल को कुछ दिखता नहीं, सबको सब कुछ दिखता है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? योगी जी, मोदी जी करप्शन दिल्ली और लखनऊ में बैठकर बताते हैं, रियल करप्शन कहाँ है? और इस महाविद्यालय में 150 शिक्षक हैं, 150, और इतने पढ़े लिखे टैलेंटेड लोगों की फौज है, उनका कैपिटलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, उनका सदुपयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोग आते हैं, दस्तखत करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और चले जाते हैं। ये तो देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं, देश के 50-100 सालों की पीढ़ी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, जंत विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इस टैंक के बारे में हमें यही कहना है कि टैंक का तो हम सम्मान करते हैं, परंतु इसकी जो यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसको लगाया गया, स्थापित किया गया है, ये सही जगह नहीं है। ये हमारे कैंपस का मेन है पॉइंट, जहाँ पर बच्चे सेल्फी पॉइंट बना लेंगे इसको, और फिर यहाँ पर जो इंटरनल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी दिक्कत आएगी। ये डिफेंस विभाग के पैसे से लगाया गया है, तो वहाँ के टीचर्स की भी ये मंशा थी कि विभाग के सामने लगना चाहिए, पीछे ग्राउंड में। लेकिन इसको अपनी जिद के आधार पर, ये किसी की जिद स्थापित है। और रह गई बात, माहौल यहाँ का एकेडमिक होना चाहिए कैंपस में, इसीलिए विद्यार्थी यहाँ पर आता है कि उसके टीचर्स उसको पढ़ाएं। विज्ञापन संख्या 46 से लेकर के आज तक पिछले 4 वर्षों में यहाँ कम से कम 50 से ज़्यादा शिक्षक जो है उनकी नियुक्ति हुई है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब से महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य हैं, 3.5 साल हो गए, तब से इन्होंने एकेडमिक पर बिल्कुल ना तो कोई मीटिंग किया, ना किसी कोर्स के बारे में किसी शिक्षक से, विभागाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी, ना स्वयं इन्होंने कक्षाओं का मूल्यांकन किया, ये भी नहीं देखा कि अध्यापक अपने कमरे में घंटी लगने पर जाते हैं या नहीं जाते हैं। हमारा विद्यार्थी कैंपस में रहता है, अगर घंटी लगती है तो उसके 5 मिनट बाद, अगर कैंपस फिर भी विद्यार्थियों से भरा है तो इसके बारे में क्या अनुमान लगाएंगे? इसका मतलब ये हो गया कि या तो इन विद्यार्थियों का शिक्षक कमरे में नहीं है, नहीं तो ये अपने कमरे में चले जाते पढ़ने। अगर इनको कोई प्रशासनिक कार्य कराना है तो काउंटर पे होना चाहिए, ये कैंपस में घूम रहे हैं बच्चे, सेल्फी लेते हुए बैठे हुए हैं, अध्यापकों से इनका जो व्यवहार होता है, तो तमाम बाहर के विद्यार्थी आते हैं और जो कैंपस में हैं वो सेल्फी लेने आते हैं, ये सब करने, तो ये अनुशासन हमारा भंग हो रहा है। अगर आप बायोमेट्रिक यहाँ पर महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए लगा रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए क्यों नहीं लगा रहे हैं?
ये तो पता चले कि वो विद्यार्थी पढ़ने आता है या केवल स्कॉलरशिप या तमाम प्रकार के अनुचित लाभ लेने आ रहा है फिर वो? सर आप जंतु विज्ञान के लैब की क्या व्यवस्था है, पुस्तकालय की क्या व्यवस्था है? सर लैब की स्थिति यह है कि हमारे विभाग में जब से हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करके एक माह के अंदर हमने इनको लिखित पत्र प्राचार्य जी को दिया था कि विभागों का भौतिक सत्यापन कराया जाए कि वहाँ पर जो प्रयोगात्मक उपकरण लगाए गए हैं वास्तव में वर्किंग मोड में हैं कि नहीं है, विद्यार्थियों के लिए सुलभ हैं कि नहीं है, प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूँ, ये लिखित में आप चाहें तो हमसे ले लें, शून्य है। इस कॉलेज में हमारी जो महिला विद्यार्थी हैं लड़कियाँ, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पुरुष की तो बात छोड़ दीजिए। विभाग में शिक्षकों के लिए पीने की व्यवस्था पानी की नहीं है, आरओ नहीं लगे, आज के ज़माने में हर विभाग में आरओ होता है, सुविधाएँ नहीं है। आप कैंपस में जाइए, प्राचार्य के सामने का ये सब साफ है, अंदर जा करके देखिए थूकदान पीकदान बना हुआ है। हमारी सरकार स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रही है तो महाविद्यालय का प्राचार्य इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? जगह जगह कोने में कूड़ा है, अंबार लगा हुआ है, इसके लिए हमने कई बार इनको लिखा तो मुझको उन्होंने टारगेट पर लिया। आप जा करके देखेंगे कि प्रॉक्टर कार्यालय के सामने लोग पान खा करके थूक रहे हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जिनके पास व्यवस्था है इस कॉलेज को सुधारने की, वो स्वयं पान खाकर थूक रहे हैं। कैसा अनुशासन आप दिखाना चाहते हैं विद्यार्थियों को? लैब में जाके लेबोरेटरी में देखिए कि प्रायोगिक उपकरण बच्चों को काम करने के लिए उपलब्ध है या नहीं है, नहीं है। जो खरीदे गए हैं ऐसे उपकरण जिन पर पन्नी चढ़ी है वो अंदर सड़ गए, उनमें रस्टिंग हो गई है, लेकिन उसका केयर नहीं किया गया है। इन सारी चीज़ों के लिए मैंने प्राचार्य को लिखा था, उत्तर प्रदेश शासन को लिखा, निदेशालय को लिखा और माननीय राज्यपाल को भी लिखा था और एफिडेविट पर लिखा, ऐसे नहीं। इस टैंक को लाने के लिए मैं 2 साल से प्रयत्नशील था। सैन्य विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश वर्मा जी का ये महत्वाकांक्षी योजना थी कि सर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो एक टैंक का एक मेमोरियल बनाया गया है अहमदनगर में, तो उसको देख करके ये लगा कि क्यों ना हम इन टैंकों में से कोई टैंक अपने महाविद्यालय में स्थापित करें। मेन उद्देश्य हमारा था छात्रों के बीच में राष्ट्र की भावना को जगाना, सेना में जाने के लिए उनको प्रेरित करना। एनसीसी बटा हमारे कैडेट्स हैं, हर साल गणतंत्र दिवस परेड पर जाते हैं 3-4 की संख्या में हर साल, तो जहाँ जाते हैं उनको लगता है कि हमारा महाविद्यालय में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अभी हम जब यहाँ पे और लोगों से व्यू ले रहे थे, आपके विद्यालय के अध्यापक जूलॉजी के थे और इंग्लिश के, उन्होंने ये एक बात रखी कि हमारे यहाँ टैंक की कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी, हमारे यहाँ की लेबोरेटरी नहीं ठीक है, शौचालय नहीं ठीक है, यहाँ आरओ की व्यवस्था नहीं है। बीते 3 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और लगातार इसके लिए हम ऊपर आवेदन किया, मतलब इसके बारे में बताए, लेकिन नहीं तो कैसे सुधार नहीं हो, कुछ उनका भी दायित्व बनता है अध्यापक होने के नाते। केवल क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ये तो समस्या परे की बात है। आप सलाह तो दो, किसको दिया उन्होंने, किससे कहा कि ये लैब हमारी नहीं ठीक है, कहाँ लैब नहीं ठीक है, लैब केमिस्ट्री लैब डिसमेंटल होकर के बन रही है, जब स्थापित हुआ था 61 साल पहले 62 साल पहले, अब जाकर के उसको मैंने पूरा तोड़वाया और उसका रिपेयरिंग हो रही, पूरी नई तरह से बन रही है। कॉलेज में बिल्डिंग पूरा, ये हमारी छत खराब थी वो रिपेयर हुआ, हमारा होम साइंस ब्लॉक उतना बड़ा बना हुआ है। आँख खोल के देखें तो केवल आलोचना करने से महाविद्यालय की, जिसकी हम रोटी खाते हैं नमक खाते हैं उसकी आलोचना करना क्या हित है क्या? बदनामी करने का उनका एक लक्ष्य है, पचा नहीं पा रहे हैं कि प्रिंसिपल 3.5 साल कैसे रहे इस महाविद्यालय में, शुरू से ले बैठने से लेकर आज तक केवल क्रिटिसाइज, शासन को लिखना, यूनिवर्सिटी में लिखना, जो करना था सब कुछ करके हार गए। तब ये टैंक आ गया उनको वो भी खटकने लगा, अब राष्ट्रीय ध्वज लग गया उसके लिए भी कि राष्ट्रीय ध्वज की क्या उपयोगिता है, ये तो कोई हम इसका उत्तर नहीं, इसका नहीं विरोध किया लेकिन टैंक का विरोध किया। टैंक का हम सैन्य विज्ञान विद्यार्थी हैं, हम हैं, हमारा विभाग कॉलेज में सैन्य विज्ञान है, तो टैंक तो आएगा ही आएगा, ये बहुत लंबा इतिहास है। मैंने कहा ना, निंदक निंदे राखिए, जितनी आलोचना करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। आप कमेंट करोगे मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे प्रत्यक्ष आके सामने कहो तो, स्टूडेंट संख्या गिर रही है, इतने पढ़ाते नहीं आपको क्लास में, एक मिनट क्या किसका जाएगा इससे, प्रिंसिपल का जाएगा क्या, साकेत की जाएगी ना, साकेत जाएगा क्या, साकेत महाविद्यालय की बदनामी होगी, प्राचार्य की बदनामी थोड़ी ना होगी। आरओ लगा था वो खराब हो गया, उसके रिपेयरिंग की बात चल रही थी, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, वो पूरा कंडेम हो गया, फिर से लगने की बात चल रही है। ये केवल प्रिंसिपल के हाथ में नहीं होता, ये थ्रू मैनेजमेंट होता है, और सरकार एक पैसा अनुदान नहीं देती है, जो पैसा बच्चों के द्वारा लिया जाता है उसी के द्वारा हम जितना विकास होता है वो काम करते हैं। सरकार से केवल सैलरी मिलती है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, और इतना बड़ा कैंपस देख रहे हो, 5 हमारे पास जमादार हैं, निश्चित रूप से माना जाए एक नहीं रहेगा, छुट्टी पर रहेगा, 4 इतने बड़े कैंपस को रोज़ साफ कर पाएगा क्या? तो ये उनसे वो उनको बताना चाहिए ना, कै मिनट कॉलेज में बैठते हैं ये पूछिए उनसे, उनसे पूछना चाहिए कितने देर आप कॉलेज बैठते हो, 10 बजे कॉलेज खुदता सिग्नेचर करके यूनिवर्सिटी में जा करके नेतागिरी करते हैं,
उनको यहाँ बैठना चाहिए ना।